वेलकम टू परी लाइफस्टाइल। तो परी, नेक्स्ट वीक दिवाली है, पता है ना? हाँ। तुम दिवाली पे क्या करती हो? नए नए कपड़े पहनती हूँ, बहुत सारी स्वीट खाती हूँ और फटाके जलाती हूँ और घर को डेकोरेट करती हूँ। ओह, तो तुम घर को भी डेकोरेट करती हो? हाँ। तो घर को डेकोरेट कैसे करती हो तुम? लैंप और दिया जलाती हूँ। तो तुम लैंप तो बाहर से खरीद के लाती होगी ना? अरे तुम्हें पता है, तुम घर पे ही ना बहुत आसान तरीके से अच्छा वाला लैंप बना सकती हो। हाँ। तुम्हें आता है? तो देखा, परी को तो नहीं आता, आई होप कि आपको भी नहीं आता होगा। तो चलो, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे दिवाली का लैंप। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दो लैंप, राइट परी? तो पहला लैंप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुछ टी कप जो पेपर के हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और वाटर कलर वो तो आपके पास हो गई, और स्टेपलर पिन। बस इतना सा ही सामान चाहिए? हाँ, बस इतने से सामान में हम बहुत ही अच्छा लैंप बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ। इनका क्या करेंगे हम? अरे मैं बताती हूँ ना, तो पहले जैसे आपको अगर बड़ा लैंप चाहिए तो आप ज्यादा पेपर कप इस्तेमाल कर सकते हो, हम तो थोड़ा मीडियम साइज बनाएंगे, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, ये दो जो पेपर कप है इन्हें हम स्टेपल करेंगे। ओके ओके। तो हमारी पहली लेयर बन चुकी है। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर तीन से चार लेयर बनाएंगे। तो जो सेकेंड लेयर होगी उसे, जैसे ये कप हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे ऐसे ही स्टेपल करेंगे, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर ये कप रखा, तो इसे हम स्टेपल करेंगे। बहुत ही आसान है, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम सारे कप्स को स्टेपल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे तीन लेयर्स बनाई है। इसी तरह से आप अगर चाहो तो आप दो तीन और भी ऐड कर सकते हो, आपको जितना बड़ा लैम्प चाहिए उतना, राइट? तो मैं इसमें और एक लेयर ऐड करूंगी। दो कप दो मुझे। तो जैसे हमने बाकी की तीन लेयर्स ऐड किए, वैसे ही हम एक्स्ट्रा एक दो लेयर ऐड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन पेपर को स्टेपल करके अटैच करना है, दैट्स इट। देखा, इसे बनाना कितना आसान है, हार्डली 5 से 10 मिनट इसे लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा लैंप रेडी है। इसके अंदर हम डालेंगे लाइट। अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसे थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हो, तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो ये जो वाटर कलर हमने लिए है, हम इसके अंदर इसे पेंट करेंगे, दैट्स इट। अगर आप चाहो तो आप इसमें ग्लिटर्स डालो, या फिर थोड़े से पर्ल, या फिर कुछ और डिजाइन भी आपके हाथ से कर सकते हो, है ना भाई? हाँ। तो हम करेंगे पेंट। तो पेंट होने के बाद देखते हैं कि ये कैसे लगता है। चलो, तो कौन सा कलर करें? पर्पल। पर्पल, चलो परी बोल रही है पर्पल, तो हम करेंगे पर्पल। तो गाइस देखिए, मैंने इस दिवाली लैंप को बहुत ही अच्छा कलर दिया है और इसके अंदर मैंने लाइट भी लगाई है। तो लाइट लगाने के लिए आप अपने पेरेंट्स के हेल्प लेना। तो आप देख सकते हो, इसे मैंने बस 5 से 10 मिनट में बनाया है और चीज़ें भी बहुत ही कम है जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि लाइट लगाने के बाद ये लैंप कैसे दिखता है। चीजें लिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने लिया है ये पेपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना परी, ग्लिटरी ग्लिटरी। तो ये पेपर आपको स्टेशनरी में आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा थिक पेपर है, नॉर्मल पेपर जैसा नहीं है। अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल किसी कार्डबोर्ड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर आप ग्लिटर डालना, तो ये ऐसा बन जाएगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्केच पेन मार्क करने के लिए, स्केल, सीजर, धागा और
बड़ी वाली सुई जिससे हम यूजुअली हार वगैरह बनाते हैं वैसे, तो ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली हैंडल करनी है। यूजुअली आप पेरेंट्स की हेल्प लेना ये लैम्प बनाने के लिए। तो चलो हम बनाएंगे लैम्प। तो सबसे पहले हम इस पेपर के छोटे छोटे कट करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ये लो स्केल और उसे अच्छे से ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है? तो एक स्टार्टिंग में हम मार्क करेंगे और एक एंड में, ओके? ओके। तो नेक्स्ट ऐसे ऐसे हम मार्किंग करके रखेंगे, तो हम फटाफट पेपर को कट करेंगे, ठीक है? पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मार्किंग की है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो इसे हम कट करेंगे, ओके परी? ओके। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है ना, हम वैसे ही कट करेंगे, ओके? तो आपने देखा कि मैंने पेपर को अच्छे से कट कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर सारे एक साइज के होने चाहिए, ठीक है? तो बस हमारा मेन काम तो हो गया है, तो चलो अब हम लैम्प बनाते हैं। तो ये पेपर को कट करने के बाद हम ये सुई के अंदर ये धागा डालेंगे। आपको ये धागा है ना थोड़ा सा बड़ा लेना है, एकदम पतला वाला धागा का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके? डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पट्टी को इस तरह से तो अब हम देख सकते हैं कि ये साइड स्टिच कर लिया है। अब हम करेंगे दूसरे साइड से स्टिच। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टिच यहां से स्टार्ट करना है, ना कि यहां से, ओके? तो हम इसे करेंगे स्टिच। तो गाइस देखा, हमारा सेकेंड लैम्प भी बनके रेडी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें जो सामान हमने इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ही कम है। तो हमारे दोनों लैम्प आपने देखा बहुत ही अच्छे। तो चलो इसे देखते हैं कि ये नजदीक से कैसे दिखता है। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। परी आती है एवरी वेडनेसडे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।